खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को पकड़ा, जिसमें करीब 245 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां कन्हई कोतवाली के उड़ैयाडीह मोड़ के पास बीती रात गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन देखा। उसको रोककर जब उसमें जांच पड़ताल की तो इस कंटेनर में गांजा ही गांजा भरा हुआ था। करीब 245 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रत्नेश यादव है और वह सरपतवा जौनपुर का निवासी है, जबकि उसका एक सहयोगी भागने में सफल हो गया। यह गांजा उड़ीसा से लेकर प्रतापगढ़ के रास्ते जौनपुर में सप्लाई करने के लिए जा रहा था। यह पहला मामला नहीं है जब प्रतापगढ़ पुलिस ने किसी गांजे के खेप को पकड़ा है। इसके पहले भी कई बार गांजे के खेप को पुलिस ने बरामद किया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन इनके रसूख के चलते कहीं ना कहीं यह छूट जाते हैं और इस तरीके का फिर से काला कारोबार शुरू कर देते हैं। प्रतापगढ़ का कन्हई थाना क्षेत्र गांजे की सप्लाई के लिए पूरे ज़िले में कुख्यात है और जिस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस ने गांजे के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, 245 किलो गांजा बरामद किया है, कहीं ना कहीं पुलिस का यह गुडवर्क है। यह गांजा चुनाव के मद्देनज़र प्रतापगढ़ के रास्ते जौनपुर में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। इसके मुख्य अभियुक्त कौन है, अभी पुलिस इसे पता लगाने में जुटी हुई है। ग्लोबल भारत के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता शिवाकांत पांडे की रिपोर्ट।